अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुदस फातेह सलाउद्दीन अयूबी की नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सुल्तान नूरुद्दीन ने बड़े जख्म लगने के बावजूद किस तरह अचानक खड़े हुए और अपने भाई को गद्दार कह डाला। दूसरी तरफ क्या सुरैया खातून विक्टोरिया को पकड़ सकेगी या नहीं। हमें लगता है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का जख्म इतना बड़ा नहीं था जितना ड्रामे में दिखाया गया था। लगता है कि उन्होंने गद्दारों को जांचने के लिए ये सारा ड्रामा किया और अपने हकीमों को कहा कि सबको कह दें कि वो बिस्तर मर्ग पर है, लेकिन असल में वो सही सलामत हो चुके थे। जब सब उसे तकरीबन मरा हुआ समझ रहे थे तो उस वक्त वो हर चीज पर नजर रखे हुए थे। नसरुद्दीन के साथ क्या होता है वो तो अगली किस्त में पता चलेगा, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपना मकसद पूरा कर दिया और जांच लिया कि कौन उसका वफादार है और कौन उसके साथ गद्दारी कर रहा है। दूसरी तरफ सुरैया ने देख लिया था कि विक्टोरिया सोफिया के काफिले में दाखिल हो चुकी है और वो गुलामों का बेस बदल कर उन्हीं गुलामों में मौजूद है। सोफिया विक्टोरिया को बचाने के लिए मजबूरन सुरैया से लड़ेगी। उस दौरान मुझे लगता है कि विक्टोरिया वहाँ से भाग जाएगी। जबकि अगर हम असीरों की बात करें तो उनमें एक अहम शख्स है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कोई आम शख्स नहीं है, ये एक ऐसा शख्स है जिसका रोल आगे चलकर ड्रामे में बहुत ही अहम होने वाला है। जब विक्टोरिया भाग जाएगी तो मुझे लगता है कि ये उसके पीछे लगेगा और उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कैरेक्टर होगा और ये आगे चलकर सलाउद्दीन की मदद करेगा। अगर आप इसको देखें तो ड्रामे की पहली किस्त में इसके भाई को काबरियाल ने मार दिया था और इसी वजह से शायद ये अपने भाई का इंतकाम लेगा। अगर हम इस कैरेक्टर को देखें तो उसको अलम अरसलान सीरीज में सुलेमान शाह के रूप में भी देख चुके हैं। यहाँ तक किस्त नंबर 5 के ट्रेलर की बात है तो मुझे लगता है कि किस्त नंबर 5 का ट्रेलर आज के दिन शाम को अपलोड किया जाएगा जैसे पिछले हफ्ते किया गया था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाह खैरा।